पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शुरू होते ही हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें आने लगी। इन पंचायत चुनाव में अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं। कुल 63,229 ग्राम पंचायतों, 9,730 पंचायत समितियों और 928 जिला परिषदों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया एक ही चरण में होगी। वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों को तैनाती की। साल 2024 के आम चुनाव से पहले बंगाल में यह चुनाव अहम माने जा रहे हैं। यहाँ मुख्य लड़ाई सत्तारूढ़ TMC और भाजपा के बीच है।